आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करेंगे समरकांत मारवा अंकल को। समरकांत अंकल आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, सारी आई सारी साथ संगत नू जय गुरु जी प्रणाम। ते मैं मिक्सचर ऑफ इंग्लिश पंजाबी ते हिंदी गल करांगा क्योंकि शायद सारे लोगों नू पंजाबी ना आंदी होए। सम माइट अंडरस्टैंड इंग्लिश, सम माइट अंडरस्टैंड हिंदी, बट द एसेंस ऑफ टॉकिंग अबाउट गुरु जी कम्स ओनली व्हेन यू स्पीक इन पंजाबी। साथ संगत जी, मैं एयर इंडिया दे विच काम करदा सी। आई रिटायर्ड फ्रॉम एयर इंडिया इन 2014। ते मनु गुरु जी ने अपने कोल बुलाया थ्रू माई कोलीग दर्शन प्रिय पॉल, जो कि गुरु जी दे नाल काफ़ी टाइम तो जुड़ी हुई सी। ते मैं शुरू तो ही एक एयरलाइन दे विच क्रू काम करदा सी और मैं घर दे विच मदर देवी दा जागरण भी करदे सन। एंड यू नो आई वाज आई हैड दैट एक्सपोजर टू टू स्पिरिचुअलिटी। देयरफॉर मैं जो सऊदी अरेबिया जांदा सी ते मेरे कमरे दे विच कुरान पई रहिंदी सी, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ कुरान। तो मैं सोचदा सी भाई रब नू मैं डिफाइन करा, किस तरह डिफाइन करा। कुरान दे विच शुरुआत लिखिया हुंदा, लिखा हुआ होता है। मैं सोचदा सा यार हू इज दिस तू ही तू, ही इज फॉर्मलेस और विद ए फॉर्म। फिर असी अपने सनातन धर्म वाल मुड़िए, वह कहिंदे भी पर ब्रह्म निराकार भी हुंदा है और सगुण साकार भी हुंदा है। सगुण साकार जिस तरह की भगवान विष्णु दे अवतार हो गए, मत्स्य कच्छवरा बामन नरसिंह जी करें सहाय, परशुराम श्री राम जब दिंदर संते पुचाए। फिर मतलब रब मतलब कि विष्णु भगवान दे जिहड़े अवतार ने उन्हां विच एसेंस हैगा रब दा। फिर मैं कहिंदा यार गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ते लिखिया है कि एक ओंकार जिहड़ा असीं हुणे चैंट कीता है, एक ओंकार निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम, ही इज टाइमलेस, he is unborn, therefore he doesn't die. This is the definition given. तो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होगी जो कुरान च लिखे है और सनातन धर्म दे विच सिमिलैरिटी होगी कि भई पर ब्रह्म है, निराकार है, निर्गुण है, पर उदी सत्ता चारों पासे है। फिर मैं जदों जांदा सी वेस्टर्न कंट्रीज दे विच, उत्थे मैं बाइबल पढ़दा सी। बाइबल दे मतलब होटल दे रूम च बाइबल हुंदी सी, बाइबल च लिखिया हुंदा सी कि First, the spirit of the Lord roamed the skies. Then when God decided to make earth, he said, let there be light and there was light. Let there be a firmament and there was a firmament. Firmament matlab ki pakki jagah, wo saadi earth hogi. And for 6 days he created this universe or सतवें दिन उन्हें रेस्ट किया तो उन्होंने सैबत कहते हैं। वो कहते हैं संडे हो गया, है रेस्ट हो गया। तो इसी कशमकश दे विच मैं मतलब अपने आप नू मे बी यू नो थ्रू माई प्रीवियस बर्थ यू नो दिस स्पार्क वॉज देयर अंदर एक कि भाई एक यार रब है कौन, किस तरह दिखता है। कोई कहता है बैकुंठ च हैगा, कोई कहता भी वो स्वर्गा च हैगा, कोई कहता जन्नत च है, कोई कहता हैवन च है, but what is his swaroop, what are his qualities? That came to me ki jadon main 94 and then again in 2002-2003 manu thodi ji heart di problem hui aur main walk karda si, mere seene ch dard hunda si te main kyunki flying karda si air india ch te manu medical officer ne kiha bhi tu angiography kara। एंजियोग्राफी कराई तो उहदे विच कहिंदे वी तेरी ब्लॉकेज हैगी है, तेरा बाईपास होएगा। तो मैं क्या मैं बाईपास नहीं कराना। फिर एयर इंडिया मैडिकल अफसर ने कहा बाईपास नहीं कराएगा तो तू फ्लाइंग नहीं करेगा, फ्लाइंग नहीं करेगा तो तेनों पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि आवर मेन सोर्स ऑफ इनकम सीगी फ्लाइट अलाउंस। फ्लाइट अलाउंस ना मिलने दे करके मेरी इनकम जिहड़ी है जो 2-2.5 लाख रुपये महीने हुंदी सी in during the year 2001-2003 came down to merely 40,000 rupees.
मैं बड़ा परेशान सी कि मैं बाईपास करावा या एंजियोप्लास्टी करावा, कभी डॉक्टर कहन कि नहीं तेरी असी ना स्टेंट पा देने हैं, कभी कहते सी नहीं बाईपास करने हैं क्योंकि तू फ्लाइट्स वगैरह से जाना है किधरे बाहरले देश जाके प्रॉब्लम ना होए। इस कशमकश दे विच मेरी कोलीग हैगी है दर्शन प्रिया पॉल, उन्होंने केबिन दे विच गुरु जी का कैलेंडर सी टंगिया ते वो कहंदे समरकांत गुरु जी के पास चलेगा मेरे गुरु जी के पास एट वंस? मैं क्या हाँ जी जरूर चलांगे, क्योंकि पहले भी कई गुरुओं को जा चुके सीगे और कोई गल बनी नहीं सर। ते फर्स्ट टाइम मैं जदों गया ऑन दर्शन प्रिय पॉल माई कोलीग्स रिकमेंडेशन एंड देर वॉज अनदर होस्टेस गर्ल वंदना, हर नेम वॉज वंदना, दे टुक मी टू एम्पायर स्टेट। उत्थे मैं गया, मैं आई सॉ गुरु जी फर्स्ट टाइम, मत्था टेकिया और टेक के मैं बैठिया, बैठ के वेरी स्लोली एटमोसफियर बड़ा चंगा लग्या। उत्थे गुरु जी कुछ बोल नहीं रहे सी, ते वो शब्द या भजन असी कह लिए बजना शुरू हो गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वेरी पावरफुल चैंटिंग ऑफ द नेम। ते मनु अंदरों मतलब कि मैं समझ गया कि जो महापुरुष सामने बैठे ने ही इज नन अदर देन लॉर्ड शिवा, क्योंकि देन ये शब्द वज रहा है तो यदा मतलब यही होना है। ते मैं उत्थे बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि ही इज लॉर्ड शिवा, लेकिन मैं ते अपनी जिहड़ी रब की खोज दे विच कई कई जगह गया जिथे भी मौका मिलिया। तो एक मैं पद्मनाभा स्वामी टैंपल गया सी जी, वो थिरुवनंतपुरम च है जो पहले ट्रिवेंड्रम के नाते मन हुंदा सी। सो देर इन दैट टैंपल शालीग्राम दी महाविष्णु जी दी उन्हां दी स्वरूप हैगा वेरी बिग, तुहानू तीन खानियां चो देखना पैंदा है। वो तुहाडा गोत्र वगैरह पुछदे ने, नायर संप्रदाय के ब्राह्मण ने, वो तुहाडा गोत्र पुछदे ने, तुहानू धोती पा के जाना पैंदा है अंदर सारा चमड़ा वगैरह उतार के। ते मैं बड़े उत्साह दे नाल गोत्र भरद्वाज, नाम समरकांत मारवा, राशि कुंभ, यह सब लिखवा के मैं अपनी अर्चना कराने वास्ते अंदर गया। उत्थे गया ते मैं हुण गुरु जी दे दरबार च बैठा हाँ, और वो मैं सोच रहा हाँ कि उत्थे ते मैनूं पंडित जी कह रहे ने दिस इज वेरी साइंटिफिक क्रिएशन, ये महाविष्णु इज सस्टेनिंग द यूनिवर्स एंड फ्रॉम हिज नाभी ब्रह्मा जी हैज टेकन बर्थ एंड ब्रह्मा जी इज इन अ डेज, यू नो, एंड ही इज गेटिंग टेलीपैथिकली द मैसेज दैट tapa, you do meditation and you start the process of creation. And Lord Vishnu, Mahavishnu in his full splendor is sustaining the universe. And his right hand is over a shivling, signifying ki by a creation, sustenance, the annihilation, de which a tinno da ek vadiya balance hai gai. Te main utthe baithe baithe soch rahe, main soch rahe, yaar agar Shivji is all in all, then why is he under the control of Mahavishnu? Anyway, thought man chaya, aur main apne us thought nu main kiya ki bhai, main to leave this thought, Samarkand tu aaya the Guru ji de kol, utthe baith aur char char logi langar chak cha prasad lai aur eh tu apni na ifs and buts nu tu chhad de. ते इस तरह सोचते सोचते मैं सी घर गए आंटी ते मैं, और वो फर्स्ट टाइम सीगा आफ्टर लॉन्ग टाइम जिहड़ा सारा स्ट्रैस सी मेरे माइंड च कि भाई मैनू कोई प्रॉब्लम हैगी है हार्ट दी, पता नहीं की करनगे, बाईपास करनगे, की करनगे, एंजियोप्लास्टी करनगे, और मैं एक्चुअली हॉस्पिटल तो छुट्टी लैके बाहर आ गया सी। मैं क्या ना मैं बाईपास कराना ना एंजियोप्लास्टी करानी है, आई नीड सम टाइम टू थिंक, आई एम ट्राइंग सम ऑल्टरनेट मेडिसिन लाइक योगा, and there was one Sardarji gentleman in Agra making a medicine which jehdi ki blockages nu apparently oh pighal ke te kad dindi si. Te main jo hai utthe baitha hai eh sab soch reha ha, te raati main sona bade bade hi chira baad, jis tarah ki after a long time I slept very soundly, and that is the first or second time I have done the darshan of Guruji. ते मनू सपने दे विच गुरु जी विजन दिखांदे ने कि एक उच्चे स्थान ते बैठे ने
मनु पता नहीं चला कि भी थले थले की है गाना दे, बट ही इज एट ए वेरी हाई लेवल सिटिंग इन इन ए वेरी प्याजी कलर चोला और वो चेस्ट पंजाबी च एज ए फ्रेंड मनु कह रहे ने वन लाइनर कह रहे ने ओ यार किना चकरा च पे है सब कुछ मैं ही हाँ ओ माई गॉड जितनी मेरी खोज सी बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ साहेब पारसीज वर्शिपिंग ओनली द फायर सनातन धर्म च साडा पर ब्रह्म आर्य समाजी कहते वेदाज आर एवरीथिंग जी ओ सगुण साकार पर ब्रह्म जदों अवतार लैंदा सगुण साकार हो जाता है आई सारा एक ना एक एक लाइनर दे विच मनु आंसर मिल गया एवरीथिंग क्लियर कि मनु पता चल गया कि हुण ये कलयुग दे विच रब भगत ढूंढना है असी त्रेता युग सतयुग सतयुग त्रेता युग द्वापर दे विच प्रोसीजर होंदा सी तपस्या करन दा और यज्ञ करन दा तां जिके जाके वो किसी वड्डे विरले विरले नूं परमात्मा दे दर्शन होंदे सी जिस तरह साडे साडे ऋषि मुनि वेद व्यास वशिष्ठ सारे ऋषि मुनि जिन्ने भी मानस पुत्र सी ब्रह्मा जी दे लेकिन इन कलयुग गुरु जी फ्रॉम हिज निराकार पोजिशन ही टुक द पोजिशन ऑफ सगुण साकार ही केम टुक बर्थ इन डुगरी टू आंसर द क्वेरीज एंड टू किनू कहंदे ने पंजाबी तारना फ्रॉम फ्रॉम दिस मंडे ने जिहड़ी मटीरियल वर्ल्ड तो तार के उन्हां नू आई डू नॉट नो कर्म कटवा के ते अपने शायद चरणा च जगह देन जदों असी शरीर छड़ांगे तो यह मैनू एक आंसर एक मतलब मिल गया एक मैनू एक रस्ता मिल गया वो सारी कन्फ्यूजन दूर होगी क्योंकि मैं बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया यू नो ही वुड जस्ट से समथिंग एंड इट वुड हैपन कई लोगों की मतलब डैथ वॉज इमीनेंट एंड ही सैड कि जा पांच साल दते वो लाइट ऑफ डिविनिटी दे विच सत्संग होंगे मैं भी सुनता सी सो हू एल्स कैन डू दिस बट द लॉर्ड ऑल माइटी द ऑल परवेजिव सुप्रीम कॉन्शियसनैस उन्हों तुसी रब कह लो अल्लाह कह लो जो मर्जी कह लो नाउ कमिंग बैक टू माई प्रॉब्लम विच स्टिल परसिस्टेड मैं 6 महीने तक गुरु जी दे कोल मतलब असी ऑलमोस्ट डेली जाते सी तां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं सी कि हफ्ते च तुसी किन्नी वारी आओ बारिंग मेरे ख्याल ट्यूजडे एंड वेडनसडे जो स्टार्ट हो गया सी ते गुरु जी ने कदी मेरे नाल गल नहीं कीती और मेरी हिम्मत नहीं पई उन्हां दे नाल गल करना बस उन्हां दे शब्द वो जिहड़े शब्द चलांदे सी उहदे नाल एक असीम आनंद आंदा सी आदमी कहिंदा सी अरे चंगा ही यार मैं उत्थे दफ्तर दफ्तर नहीं जा रहा फ्लाइंग फ्लूइंग नहीं कर रहा अपना बैठा इतने फर्स्ट क्लास हलवा प्रसाद मिलता है लंगर मिलता है और इतने एटमोसफेयर इन्ना चंगा है यही सब कुछ है जी ये बहुत वधिया है वो सोचना कि मैं मैनू प्रॉब्लम हैगी है वह सब मेरे दिमाग चो निकल गया यह भी निकल गया कि मेरे बच्चे ने उन्होंने पालना पोसना है लोन लिया है घर बनाने का कुछ यू नो नथिंग ऑफ दैट शॉर्ट मेरे माइंड नू कोई डिस्टर्ब कर रहा है मेरे यार दोस्त जिहड़े सीगे वो पता नहीं आपे ही पैसे कलैक्ट करके 60-70,000 रुपया महीने हर 2 महीने आके मेरी वाइफ नू दे जांदे सी कहते ये समरकांत के मारवा के हिस्से की फ्लाइंग है हम कर रहे हैं वो चोरी छिपे दे जांदे सीगे ए दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरु जी ग्रेस सो एक दिन जदों मैं मत्था टेकिया गुरु जी नू फर्स्ट टाइम गुरु जी स्पोक टू मी और अपना मुंह मेरे सज्जे कान दे को लिया के इन माई राइट ईयर ही विस्पर्स जा मैं तेरा हार्ट ठीक करता इन्ना सुन के मैं ते आई वॉज अंडर शॉक पहले तो मैं क्या यार गुरु जी नोज फ्रॉम 6 months कि आई हैव ए हार्ट प्रॉब्लम बट इन माई माइंड आई नेवर आस्क्ड हिम कि भाई तुसी मेरा हार्ट ठीक कर दियो मैं तो यही कहता रहा मैं सच्चे बादशाह यू नो चंगा राह दिखा नेक काम करिए चंगे बंदे बनिए लोगों की हेल्प करिए यू नो ऑल दोज थॉट्स यूज टू कम इन टू माई माइंड प्रोबेबली द इफेक्ट्स ऑफ द शब्द बीइंग प्लेड एंड बाई द पॉजिटिविटी ऑफ द पर ब्रह्म सिटिंग इन ए पर्टिकुलर चोला यू नो होम वी कॉल गुरु जी रब मैं उत्थे जाके बह गया एकदम स्तब्ध जिस तरह कहते हैं ना आई वॉज डम फाउंडेड कि यार गुरु जी हाउ डज ही नो hundreds of people come here and he's saying yeah main tera heart theek karta I felt very good I felt uplifted and within 2-3 days I went back and did my angiography again
एंजियोग्राफी में दोबारा की थी, तो वह कहें जी जनाब थोड़ा ब्लॉकेज तो उन्ना ही है जिन्ना पहले सीगा, असी इंज करने हैं, असी थोड़ी एक एंजियोप्लास्टी कर देने हैं, बाईपास नहीं, कहें वो तुसी डिसीजन थोड़ा है। मैं सैकेंड ओपीनियन लिया जाके अशोक सेठ कोलों एस्कॉर्ट्स दे विच, फर्स्ट आई वॉज इन अपोलो, ही सेड कि मिस्टर मारवा यू मेक अ डिसीजन एंड माई फादर रिकमेंडेड आई डू एंजियोप्लास्टी, दैट ऑल्सो मे बी गुरु जी पुट इट इन हिज माइंड टू टेल मी दैट। जो तो मैं हॉस्पिटल एडमिट होया तो मेरी आंटी मतलब कि उन्हें रोना शुरू करता, उस वक्त यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट 2002-03 हैविंग ए बाईपास और यू नो दोस थिंग्स यू नो एट ए जस्ट एट एज ऑफ यू नो 50 ईयर्स वॉज मे बी लेस देन 50 ईयर्स आई वॉज ए बिग थिंग। तो गुरु जी को ना मंगलवार वाले दिन चली गई, मैं हॉस्पिटल सी, उत्थे जाके उन्हें रोना शुरू करता, तो सेवादारा ने कहा भी आंटी आज दे दिन तो गुरु जी मिलते नहीं किसी नू, ते मेरी वाइफ दा मेरी आंटी दा नाम गुरु जी ने अचार वाली आंटी पाया सी, क्योंकि एक बारी वो मर्तमान भर के गोभी शलगम दा अचार लै गई सी, ते उन्होंने कहा भी इस तरह सी बाहर दी कोई चीज़ तो यू नो इत्थे यूज नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते, सब कुछ साडे इन हाउस ही बनता है। पर दैन सम वन ऑफ दी सेवादार दे मंच की है, उन्होंने कहा आंटी ठीक है, गुरु जी कहते हैं कि भाई वरता देना तुसी संगत दे विच जदों लंगर होएगा, तो उन्होंने ना रख दिता अचार वाली आंटी, उन्हें रोना शुरू करता उत्थे बार रोना शुरू करता, तो गुरु जी ने मैसेज भिजवाया अंदरों कि उन्होंने कह चलिए रो ना, ये परसों घर आ जाएगा। नाउ एग्जैक्टली मेरी एंजियोप्लास्टी हुई एंड आई थिंक विद इन 72 आवर्स मैं घर वापस आ गया सी, और मैं ये सोच रहा सी कि जो गुरु जी ने मनु किया कि तेरा हार्ट ठीक हो गया है तो फिर ये ब्लॉकेज क्यों रही अंदर। तो बाई एंड बाई मनु संगत तो ये अंडरस्टैंड मतलब ए चीज समझ आई कि 100% ते गुरु जी किसी का भी माफ नहीं करते, 90% तक वह कष्ट दूर कर देने, 10% भुगतना पैंदा है, हुण नहीं भुगतांगे तो अगले जन्म च भुगतांगे। तो मोस्ट प्रॉबली ही सॉर्ट ऑफ इट कि भाई मैं इस जन्म च ही यह जो 10% है भुगत लवा। और उस तो बाद राइट फ्रॉम 2003 to 2014 आई हैड एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वधिया ट्रेडमिल भी कर लेना, जॉगिंग भी कर लेनी, जो मर्जी खाओ पियो सब कुछ। उस तो बाद मनु फिर प्रॉब्लम हुई, उस टेंट दे विच कचरा आ गया, तो कचरा पाना पिया, तो हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा भी नॉट टू वरी, असी वो स्टेंट एक दो जगह होर पा दें, तो एक जरा पुराना स्टेंट सी उदे विच एक स्टेंट होर पा दें एंड यू शुड बी ओके। एंड फर्स्ट दे गेव मी ए बेड नंबर 3 or 5 एंड देन सडनली दे सेड नो नो वी आर मूविंग यू टू अनदर बेड, एंड व्हेन आई जस्ट लुक्ड अप इट वाज बेड नंबर 7। सो आई सेड टू माय सेल्फ दिस इज अ सिग्नल फ्रॉम गुरु जी दैट डोंट वरी कि मैं तनु सुपरवाइज कर रहा देख रहे हैं। तो ए मेरी दिस वॉज माई ट्रस्ट विद गुरु जी, यू नो कितने वेर ही रिवील्ड हिमसेल्फ टू मी कि डोंट वरी मैं ही रब हैगा, तू ठीक जगह ते है। हुण गुरु जी दे नाल ऐसा वो रस बैठा कि मैं रोज असी जाना, सानू कहा कि भाई अब ऐसा है कि पुरानी संगत जो है फर्स्ट फ्लोर ते चली जाए, ते सानू थोड़ा जा सी माइंड जा हो गया सी कि पता नहीं यार गुरु जी नाराज तो नहीं हो गए, लेकिन कोई ऐसी गल नहीं। मैं भुवनेश्वर जाना सी, ये दूसरा एक मैं सत्संग सुना रहा, अंकल सुना सकता दूसरा सत्संग? हाँ जी बिल्कुल अंकल सुना सकते हो। अच्छा जी, ते मैं भुवनेश्वर जाना सी, ते उत्थे साडे स्कूल जिहड़ा क्लास ऑफ 1972 दी गेट टुगेदर हुंदी है एवरी ईयर, वी पासड आउट टुगेदर, ते ओ मैं टिकट कटाई, मैं वाइफ नू कहा भी तू भी चलना है नाल, ओ पता नहीं शायद नहीं फर्स्ट टाइम नहीं गई हो, मैं किसी दोस्त दे व्याह ते जा रहा सी कटक, माई स्कूल फ्रेंड्स यू नो सन हिज वेडिंग। ते मैं राती सुत्ता, सवेरे मेरी फ्लाइट सी 11:15 दी, सुत्ता ते मैनू
ड्रीम आंदा है उस ड्रीम दे विच यू नो आई एम ओनली यू नो हियरिंग 108 एंड ओ ड्रीम दे विच साडे घर कोई पूजा हो रही है, मेरे पेरेंट्स भी हैगे ने, मेरी वाइफ भी है, सब कुछ भी है, एंड दैट देयर इज सम पूजा गोइंग ऑन इन माय हाउस एंड सडनली यू नो द ब्राह्मण डूइंग द पूजा, आई गेट अप टू यू नो गिव हिम सम दक्षिणा एंड आई रिमेम्बर गिविंग हिम यू नो 2000 rupees और 2100 rupees और समथिंग लाइक दैट एंड माय वाइफ इज टेलिंग मी भाई और भी बैठे ने ओ नहीं दे रहे तुसी दे रहे हो. सो आई सॉर्ट ऑफ रिब्यूक्ड हर, आई सेड डोंट इंटरफेयर इन माय यू नो व्हेन आई एम गिविंग चैरिटी एंड ऑल दैट. और फिर वो ड्रीम दे विच 108 मनु दोबारा सुनाई दिता एंड देन इन द मॉर्निंग आई टुक द फ्लाइट, आई वेंट टू भुवनेश्वर. भुवनेश्वर दे विच मैं क्या मैं वॉक करना, मैं दर्शन करने ने मन च आया अनंत वासुदेव मंदिर, दैट मंदिर इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु. और अनंत वासुदेव मंदिर तो कोई 500-600 meters अगे जाके लिंगराज मंदिर हैगा डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, वो 1100 to 1400 लैके 1400 साल पुराना शिवा टेंपल, वो तां दे किंग्स ने बनाया सी, राजा महाराजा ने बनाया सी. और अनंत वासुदेव मंदिर इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु. सो आई एज इट फॉल्स फर्स्ट ते मैं वो टेंपल दे विच मैं क्या मैं पैदल ही जाना, मेरी वॉक भी हो जाएगी, थोड़ी शुगर कंट्रोल रहेगी, कोलेस्ट्रॉल घट रहेगा, पसीना आएगा. ये डीमोनेटाइजेशन दा टाइम सी ते मैं एक जगह तो लंघिया ते देखिया कि एटीएम दे सामने 3-4 लोग खड़े ने. मैं भी खड़ा हो गया, वॉचमैन को पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या है, कहता साहब ये पैसा डला एटीएम में और हर एक को 2000 rupees निकालने का अलाउड है. मैं कहा ठीक है, मैं खड़ा हो गया उत्थे. विद इन 5 minutes मैं क्या लेट मी यू नो विदड्रॉ कैश 2000 rupees मैं जेब च पाए और मैं आई स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स अनंत वासुदेव टेंपल. उत्थे मैं गया ते उत्थे मैं थोड़ा रीजंस अननोन टू मी मैं बड़ा बड़ा आत्मविभोर हो गया. यू नो मैं आंसू वगैरह बहने शुरू हो गए कि भाई यू नो आई हैव कम एंड डन द दर्शन ऑफ लॉर्ड हरि विष्णु. और उत्थों की प्रथा हैगी है कि एक एक हांडी का प्रसाद उत्थे चढ़ाया जाता है भोग वास्ते. इस तरह नहीं होंदा भी थोड़ा जा काढ़ लिया भोग लगा दिता तो उन्हें बाकी हांडिया च या बाकी लंगर च मिक्स करता, नहीं. जे उत्थे 100 मटके मिट्टी के मटके चौल बनते हैं वह है तो 100 के 100 मटके भोग लाण जाएंगे, 100 के 100 मटके दाल दे, 100 के 100 मटके और किसी सब्जी दे. और पांडे गर्मा गर्म मोडिया से चुके ले जा रहे और मैं ये सारा सिनेरियो देख के एकदम आत्म होर जिन्हों कहते हैं हो गया. मैं क्या मैं दर्शन किए हूँ वो मैं जोड़ी ड्रीम आई सी जिस मैं 2100 rupees दे रहा सी वो मैं बाद च रियलाइज होया तो उत्थे एक सफेद कुर्ते दे विच उन्हां दा हैड ब्राह्मण खड़ा सी ते वो मैं कहता भी आप क्या बात है इन ओडिया कहू हो चंती प्रॉब्लम है क्या. मैं क्या नहीं प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हमको दर्शन हो गया परमात्मा का, हम खुश हैं. तो उसने बोला कि आप अन्नदान कराना चाहोगे. मैंने कहा हाँ जी अन्नदान मैं करा देता हूँ. तो वो कहते हैं कि भाई वो 1750 rupees का अन्नदान इज द हाइएस्ट इन विच यू नो अबाउट अ फ्यू यू नो स्कोर्स 30-40 ब्राह्मणा का खाना हो जाता. और बाहर केले के पत्तियां तो खाना खवा रहे सी. वो पर्ची कटी, पर्ची कट के मैं 1750 उन्होंने दिते और बाहर उन्हें जाके वो 1750 rupees जरा उन्होंने ताजा प्रसाद बनाया सी, वो वंडना शुरू करता. फिर मनु कहता है कि मैं आपको एस्कॉर्ट करता हूं यहां से 500 meters लिंगराज मंदिर है. मैं कहा जी ठीक है, मैंने तो वहां दर्शन करने ही करने हैं. तो लिंगराज मतलब दी शिवलिंग इज क्वाइट हाई एंड द डोम ऑफ द मंदिर आई थिंक 183 meters हाई और बड़ी जबरदस्त स्पीड होंगी. वो बाहर लिखा होंगे ओनली हिंदूज विल एंटर, नो लेदर अलाउड एक्सेट्रा. एक नैरो पैसेज हैगा है, वो तक्का मुक्की होंगी है. मैं कह यार मेरे बस का नहीं होएगा अंदर जाना. उन्हें कहा नहीं मैं तुसी मेरा हाथ पकड़ लो. वो पुलिस वाले तक्के दे रहे
कि लाइन में रहो, लोग लाइना तोड़ रहे। एनीवे बाय द ग्रेस ऑफ गुरु जी असी उत्थे पहुंचे, ते उत्थे मेरे जेब विच सिर्फ 250 रुपए रह गए सी कैश, जेडे मैं एटीएम तो कढ़े सी। ते उत्थे वही कहंदा भी आपने अन्नदान कराना यहाँ पे। मैं कहा कितने कितने का होता है भाई? कहता है 250 का होता है, 350 का होता है। मैं कहा यार ये ले 250 रुपए। वो पर्ची काट दे और उन्हें अन्नदान मेरे नाते साढ़े नाते अन्नदान देता। ते वड्डी वड्डी टोकरियां मेड फ्रॉम जूट उदे विच उन्होंने प्रसाद भरिया होया, वो प्रसाद मनु दिता और उत्थे जल चढ़ा के और शिवलिंग ते जल चढ़ा के उन्होंने, मैं क्या भी मेरा नाम मेरा गोत्र वगैरह सारा पढ़ के और मसीह उत्थों एग्जिट कर गए जी। एग्जिट करके गए ते मैं बाहर जान लगा तो जेड़े ब्राह्मण देवता मेरे नाल आया सी वो कहता है भाई आपको पता है ये टेम्पल की खासियत क्या है? मैं कह नहीं। कहता है यहाँ पे इस टेम्पल के चारों तरफ 108 शिवलिंग बने हुए हैं। मैं कह ओ हो, सो आई थिंक समबडी फ्रॉम टेलीपैथी इन माई ड्रीम सेड 108 शिवलिंग। और वो जो मैं पूजा दे विच वो 2100 या जो भी मैं ब्राह्मण जी नूं दित्ते सीगे, वो मन लगता है मैं कोई पूजा सी, कोई मेरा पिछले जन्मा का कर्म होना है जो इनकम्प्लीट सी। आई थिंक गुरु जी थ्रू दैट यू नो ही गॉट, मतलब उसनों कट देता होना है, क्योंकि एग्जैक्टली 1750 में वासुदेव अनंत वासुदेव टेम्पल च दिते और 250 रुपए मैं दिते लिंगराज टेम्पल च। सो आई वॉज सो हैप्पी दैट यू नो गुरु जी हैज यू नो गाइडेड मी इन सच ए वे। अच्छा भुवनेश्वर तो असी वापस आ गए। वापस आने तो बाद मेरा जरा छोटा लड़का है, असी जदों मैं फ्लाइंग शुरू कर दिती तो असी गुरु जी दे जाना कट कर दिता, तो उन्हें सानू ना एक किस्म का रिब्यूक किया, डांटिया कि भाई तुम जदों प्रॉब्लम सी तुसी गुरु जी दे अंपायर सेट जाते मम्मी डैडी, तो उन्हें गुरु जी ने एक लोटा भी दिता सी विच फूक मार के, वह लोटे का पानी भी पींदे हो, तुम गुरु जी ने भुल गए हो। तो असी क्या यार गल तो ठीक कर कह रहे हैं, असी जाना शुरू कर दिता। तो कहते डैडी मेरे को तो ड्रीम मतलब कि एक आया था जिसमें मैं गुरुजी एक येलो चोले में है और वो जड़ी गुरुजी दी स्वरूप है वो दे बिस्तर दे उत्ते टंगिया है। ते वो कहंदा कि मैं क्रिकेट दा मैच खेल रहे हैं और क्रिकेट दा मैच खेलते खेलते मैं टेलीफोन विच गुरुजी दे नाल गाल कर रहे हैं। ते गुरुजी कहंदे ने कि भाई ही इज आस्किंग गुरु जी तुसी मैं तुसी मेरे नूं मेरे नाल गल कर रहे हो, मैं तुहानूं एक क्वेश्चन पूछना। गुरु जी कहंदे ने कि भाई हाँ, थोड़ा जा गैप दे के कहंदे ने हाँ चल पुछ पंजाबी च। ते निखिल जेड़े मेरा छोटा लड़का है निखिल अंकल वो पुछदे ने उहनां कोलों कि गुरु जी तुसी कईयों लोगों नूं चोले दे विच दर्शन दित्ता है और फिर बाकी दे लोगों नूं तुसी चोले दे विच दर्शन ही नहीं दित्ता, तो उन्होंने मतलब कि ना इंसाफी ना हुई? एक एक्स अमाउंट ऑफ संगत नू तुसी चोले च दर्शन दे रहे हो और वाई अमाउंट नू तुसी दे रहे हो विदाउट चोला। तो गुरु जी ने निखिल अंकल जिहड़े हैगे ने मेरा मुंडा कहिंदा है कि भाई संस्कृत दे विच उन्होंने उन्हूं कुछ रिप्लाई दिता और उदा मीनिंग फिर उदे दिमाग दे विच रिसाउंड उन्हों की मतलब की टेलीपैथिक नाल वो उदा मतलब भी दसिया। उदा मतलब ये सी कि मेरे वास्ते सारी आत्माएं एक हैगियां ने। सो दैट ही सैड मैं चाले चोले च होवां या चोले च ना होवां, मैं बेसिकली तुहानूं लोगों नूं एज ए आत्मा देखदा। जिस तरह गुरु जी कहिंदे सी कि तुसी लोग मनु सारे कीड़े मकौड़े नजर आंदे हो, जो माचिस दी तीली दे उत्ते जना वो बरूदा हैगा ना वो साइज है तुहाडी सोल दा। और सेम चीज साढ़े श्रीमद भागवत पुराण दे विच लिखी हुई है। अनदर इंसीडेंट विद निखिल दे नाल ए सी कि इहदा 10वीं दा फ्रेंच दा पेपर सीगा और ऐ इंपोर्टेंट पेपर सी और ऐ गया पेपर देण ते उन्ने 100 विचों सिर्फ 33 मार्क्स दा क्वेश्चन अटैम्प्ट कीते। ओ भी मनू सानू कहंदा कि मैं आंसर की जगह जरा क्वेश्चन लिखा से लिख के आ गया सी।
लेकिन उन्हें रियलाइज किया कि मैं तो फेल हो जाना है, तो उन्हें हर परचे के उपर कोने दे विच बड़े छोटे छोटे दे विच लिख दिता जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। और वो 33 मार्क्स का भी मेरे ख्याल उन्हें आंसर नहीं दिता, 33 मार्क्स के जिन्ने क्वेश्चन से आंसर की जगह क्वेश्चन ही लिख के आ गया। घर आके सानू कहिंदे मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने प्रे किया कि गुरु जी मैनू हैल्प कर दियो। और जदों उहदा रिजल्ट आया तो उन्हें 73 नंबर, ही हैड गॉट 73 मार्क्स। नाउ दैट इज ए बिग मिरेकल। मतलब गुरु जी छोटी तो छोटी चीज नू भी किस तरीके दे नाल मतलब कबूल कर लैंदे ने, अरदास कबूल कर लैंदे ने। मेरी डॉटर इन लॉ, मेरी नू राणी बहु राणी, ए व्याह होके जदों आई सी तो उन्हों शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट गुरु जी। इट इज द फर्स्ट टाइम वी टूकर फॉर ए सत्संग इन नरवाना कंट्री। देर यूज टू बी वन राकेश अंकल जी, उन्होंने दे घर मंथ विच एक दो बारी सत्संग होंदा सी, ए साडे घर दे नाल सी, असी जांदे सी उत्थे। मैं अपना हमेशा अपना सत्संग सुनांदा सी। तो दैन आई स्टार्टेड सिटिंग इन दी जेडे पिछले कमरे च, मैं कहा यार मैं इयो सत्संग बार बार सुनाना, लोगी भी उयो होंदे ने, ते मनु पता नहीं कि मेरे सत्संग दे विच ओ किधरे यू नो उन्हां नू बोरियत ना हो गई होए। हाउ रोंग आई वॉज, यू नो सत्संग इज सत्संग, द मोर यू नरेट इट द बेटर इट इज फॉर यू नो द पर्सन हु इज नरेटिंग एंड फॉर द पीपल हु आर हियरिंग। ते सत्संग तो वापस आए, मैं वो दो चार बारी उत्थे मैं सत्संग नहीं कीता, होर लोगों ने सत्संग कीता, ते मेरी नूर आनी आके यू नो शी स्लेप्ट, सो गई है, उठी है, ते शी इज टेलिंग माई वाइफ अपनी सस नू कि मम्मी गुरुजी तो ड्रीम में आए थे, वो कहते थे मेरे को कि तू अपने अंकल को सत्संग करने के लिए क्यों नहीं बोलती। उन्हें कहा जी मेरे अंकल तो सत्संग नहीं करते, उन्हें सोचा भी अपने हस्बैंड दी गल, मेरे वड्डे मुंडे दी गल कर रही है। उन्होंने कहा नहीं वो अंकल नहीं, वो विन्नी अंकल, विन्नी मेरे घर का नाम है। सो गुरु जी मेड श्योर ही गेट्स ए मैसेज टू मी कि जदों भी सत्संग करन दा मौका होए यू मस्ट गो अहेड विद इट विदाउट थिंकिंग कि वेदर इट इज यू हैव सेड इट इन्यूमरेबल टाइम्स and you know it doesn't make a difference, satsang is satsang. See, ek meri mera jo last satsang hai gaya ki meri wife nu ek sade utte badi mushkil aan wali si, udi warning guru ji ne pehle deti. Guru ji ne dream de vich wife nu kiya ki bhai meri wife ek temple jayegi hai, te guru ji hage ne samne baithe hoye, te wife nu kehnde ne कि भाई हुण टाइम आ गया है कि तू शिव चालीसा पढ़िया कर। ते ओ मेरी वाइफ ने शेयर किया दूसरी सत्संग वाली आंटी नूं, उन्हें कहा कि शिव चालीसा भी पढ़ो और शिव जी दे लिंग शिवलिंग उत्ते जल भी चढ़ाओ। तो गुरु जी ने पहले ही वॉर्न करता सी, ते साडे नाल कुछ काफी धोखेबाजी हुई, यू नो फाइनेंशियली वी वर ड्यूप्ड, सानू मतलब कि किस्म दा लुट लिया सी, यू नो अ फ्यू लैक्स ऑफ रुपीज, बट वो कहते ना एक सिचुएशन बैड टू वर्स ना हो, वो सिर्फ बैड दे विच ही मुक गई। एंड गुरु जी दे नाल जुड़न तो बाद मैं ये सोचना कि वो हिसाब किताब जड़ा है ना, ही इज मेकिंग श्योर कि इट इज सॉर्ट ऑफ स्क्वेयर्ड अप in this particular birth, and then that you know we don't carry it to the next birth. Although our request to Guruji would be that you know to make this our last birth, at least mine. Thank you Sangat ji, eh mera chand jede Guruji de naal share kite si jadon Guruji chole de vich san, and I thank Darshan aunty, I thank Vikram uncle for giving me the opportunity of speaking. कोई भूल चूक हुई हो मेरे बोलन च गुरु जी, कि मैं कुछ ऐसा वैसा कुछ बोल गया हूं, तो मैं क्षमा चाहना, बुलवाण वाले भी तुसी, करण वाले भी तुसी। जय गुरु जी अंकल।
संगत जी, अभी नेक्स्ट सत्संग जो हमारे साथ शेयर करेंगी वो मंदाकिनी आंटी को हम इनवाइट करेंगे। मंदाकिनी आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। गुरुजी की मेहर है कि आज मुझे दोबारा मौका मिला गुरुजी के संगत को अपना सत्संग सुनाने का। मैं गुरुजी को वे बैक 2005 में मिलने के लिए गई थी एम्पायर स्टेट में। हमारे घर के सामने भाटिया आंटी रहती हैं जो गुड़गांव में रहती हैं, वो बिल्कुल हमारे घर के सामने रहती हैं। वी लिव इन द सेम लेन एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट माय मदर इन लॉ, हम लोग साईं बाबा को मानते हैं इनफैक्ट। एंड भाटिया आंटी मेरी मदर इन लॉ को कहती हैं कि चलो मैं आपको अपने गुरुजी से मिलाती हूँ। तो मेरी मदर कहती हैं कि मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ और मैं और किसी को नहीं मानती। तो भाटिया आंटी कहते हैं कुछ कुछ दिनों के बाद में भाटिया आंटी एवरी डे शी यूज्ड टू से कि चलो मैं आपको अपने गुरुजी से मिलाती हूँ। तो वन फाइन डे माय मदर सेज कि ओके चलो आप कहते हो तो मैं मिलने चलती हूँ। एंड मम्मा एंड भाटिया आंटी दे बोथ वेंट टू बड़ा एम्पायर स्टेट टू मीट गुरुजी। बट व्हेन मम्मा केम बैक शी हैड ऑल टीयर्स इन हर आईज व्हेन आई ओपन द गेट फॉर हर एंड शी सेड कि मैं आज एक बहुत ही सेंटली आदमी को मिलके आई हूँ एंड मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं वहां उनके सामने बैठी और मेरे आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो अगली बार मैं जब जाऊं तो तुम भी चलना साथ में। आई सेड ओके मम्मा चलेंगे। ओके आफ्टर आई थिंक वन और टू मोर टाइम्स मैं मेरी मदर लॉ और हम लोग सारे गए गुरुजी के, बिकॉज आई बिलोंग टू आर्मी फैमिली। तो हमारे घर में कुछ ऐसा नहीं था कि किसी पर्टिकुलर भगवान जी को मानना, बट शिव जी को मानते थे। शिवरात्रि के फास्ट रखते थे मेरी मदर मेरे फादर, मतलब स्पेसिफिकली इनटू शिव जी भगवान जी के लिए। तो जब हम मैं वहां पे गई एम्पायर स्टेट, पहले तो मैं देख रही थी कि ये कहाँ पे आ गई हूँ मैं, ये कैसी जगह है। मंदिर कभी ऐसा होता है कि इतने घरों के बीच में एक घर है और उसके अंदर मंदिर है, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो व्हेन आई एंटर्ड इनसाइड द हॉल एंड एम्पायर स्टेट में, इट वाज ऑल लिट एंड विद ब्यूटीफुल डेकोरेशंस एंड मैं सोच रही हूँ कि ये हम कहाँ पे आए हैं। देन आई वेंट एंड सैट डाउन, इतने में गुरुजी अपने रूम से बाहर निकले and everyone got up, I also got up and I'm looking at Guruji ki itne sundar chole mein ye aadmi kaun hai jo itne sundar chole mein aaye hai। and you know Guruji used to be always decked up and he used to love wearing beautiful clothes and sab log unko dekh kar bada, everyone used to be very pleased looking at Guruji। to maine bhi dekha and I was just thinking ki ye kaun hai and I sat down thinking ki Guruji shayad मेरे को भी देखेंगे, जैसे मैंने सुना था उनके बारे में, जैसे भाटिया आंटी ने कन्वे किया था हमें कि गुरुजी भगवान है, शिव जी का रूप है, हमारे यहाँ धरती पे आए हैं। तो आई स्टार्टेड लुकिंग एट गुरुजी एंड एज गुरुजी यूज्ड टू लुक टुवर्ड्स मी, आई यूज्ड टू जस्ट पुट माय हेड डाउन एंड डर लगता था उस टाइम पे। पता नहीं क्या एक अजीब सी वो थी कि गुरुजी कहीं, पहले तो आंखें हम ऊपर करके देखते थे कि गुरुजी देख रहे हैं, और जब देख रहे होते थे तो हम फटाफट आंखें नीचे कर लेते थे। तो टाइम पास बाय, वी यूज्ड टू गो वेरी ऑफन टू एम्पायर स्टेट। धीरे धीरे करके माय हस्बैंड सब लोग चलने वहां पे जाने लग गए। स्लोली एंड स्लोली टाइम पास बाय एंड वी वेर स्टार्टेड गोइंग टू बड़ा मंदिर ऑल्सो। रिसेंटली on this 28th August 2020, I met with a very massive accident. I'm sure बहुत सारी संगत को पता होगा जो सत्संग सुनते रहते हैं इस टाइम पे, तो उन सबको पता होगा कि I shared my satsang कि मेरे घर के ऊपर वाली बालकनी गिर गई थी and I was standing on the first floor. With the pressure, the first floor balcony also collapsed where I was standing and नीचे ground floor पे एक balcony थी, तो all the three balconies collapsed. गुरुजी की मेहर देखिए, आज मैं शायद जिंदा हूं और आप सबके सामने अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूं फॉर जस्ट द रीजन कि अगर मैं आज अगर जिंदा हूं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी। मेरे शरीर के ऊपर एक भी खरोच नहीं थी, दो आई हैड अ मल्टीपल फ्रैक्चर्स, बट मेरे शरीर के ऊपर एक भी खरोच नहीं थी एंड पीपल टुक मी आउट फ्रॉम दैट डेब्रिस नियरली आफ्टर 1.5 आवर।
It is in the newspapers. It was in the news all over there. And लोगों को बड़ी दिक्कत हुई मुझे वहां से निकालने का, क्योंकि एक ऊपर वाली जो बालकनी थी दैट इज वाज मैसिव, दैट वाज अराउंड 3,000 to 5,000 केजीज जो मेरे चेस्ट के ऊपर आगे से टिल्ट हो रखी थी, और नीचे वाली जो बालकनी थी ग्राउंड फ्लोर पे वो मेरे बैक साइड पे मेरे पीठ के ऊपर टिल्ट हो रखी थी. बट आप देखिए गुरु जी की मेहर कि मेरे फ्रैक्चर्स जितने भी थे, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, पेल्विक, रिब्स, स्पाइन फ्रैक्चर्स जितने भी हुए थे, जितनी हड्डियां टूटी थी, गुरुजी ने वो वहीं के वहीं इंटैक्ट रखी थी. दे वर नॉट डिसलोकेटेड, सो आई डिड नॉट हैव टू गो फॉर एनी सर्जरी. आई वाज टेकन टू द हॉस्पिटल वेल इन टाइम. ऑल माय फ्रेंड्स, एवरीवन, ऑल माय नेबर्स, दे हेल्प्ड एंड दे वर देयर. एंड माय हस्बैंड, ही टुक मी टू द हॉस्पिटल. एंड गॉड ओनली नोज, गुरुजी ओनली नोज कि कैसे उन्होंने मुझे इसमें बचाया. द फर्स्ट मोमेंट आई रिमेम्बर कि जब मैं गिरी तो मैं मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं तुझे कैसे निकालूंगा, बट देन मुझे नहीं पता मैं तुझे कैसे निकालूंगा, बट देन गुरु जी का नाम ले. एंड आई स्टार्टेड रिसाइटिंग गुरु जी का नेम. आई डोंट नो व्हेन आई नॉक्ड ऑफ, जब तक ये निकाल रहे थे मुझे वहां से, समहाउ विद गुरु जी ग्रेस आई एम परफेक्टली ऑल राइट नाउ. आई एम वॉकिंग स्लोली एंड स्टेडली, धीरे धीरे, आफ्टर 5.5 months. गुरुजी की मेहर है. सब कहते हैं कि आपको बचाने वाला कोई है वहां पे जो आपको बचा रहा है. तो द एम्बुलेंस ड्राइवर, द एम्बुलेंस को ड्राइवर, एवरीवन यूज्ड टू से कि आपको भगवान ने बचाया है, आप अपने भगवान को याद करिए. एंड इट इज ओनली गुरुजी, ओनली एंड ओनली गुरुजी. एंड गुरुजी गेव मी दर्शन इन बड़े मंदिर, दर्शन इन द हॉस्पिटल, इन द ICU. देन ही गेव मी दर्शन हियर घर में. और मेरे घर में कितने ही मिरेकल्स हुए इस ड्यूरेशन में, 5.5 months. एंड मैं शुक्र मनाती हूँ सबरवाल अंकल का जो मुझसे पहले सत्संग सुना रहे थे टुडे, बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैव कम अप ऑन माय फर्स्ट फ्लोर आफ्टर 5.5 months. एंड मैं इस डिलेमा में थी कि शुड आई स्टे इन द ग्राउंड फ्लोर और शुड आई कम अप टू द फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे मेरा एक्चुअल फ्लोर है, बिकॉज ऑल दिस टाइम आई वॉज इन द ग्राउंड फ्लोर because I could not climb the stairs. अब धीरे धीरे जैसे डॉक्टर ने परमिशन दी थी स्टेयर्स चढ़ने की तो मैं चढ़ पा रही थी धीरे धीरे, बट कमिंग अप टू माई फर्स्ट फ्लोर इज 20 steps अप एंड 20 steps गोइंग डाउन, विच इज अगेन अ वेरी एक्सरसाइजिंग थिंग. सो सबरवाल अंकल का एक सत्संग था, जैसे कहते हैं कि गुरुजी अपने सत्संगों में सबको अपना रिप्लाई देते हैं, तो अभी तक दिस वॉज द फर्स्ट डे जब मैं ऊपर आई हूँ अपने फ्लोर पे. एंड टूडे इज थर्सडे. एंड देखो मैं गुरुजी को यही बोल रही थी, मैं कहा गुरुजी मुझे कंफ्यूजन है कि मैं कहाँ ग्राउंड फ्लोर पे रहूँ, कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ जाऊँ, कि थोड़े दिनों के बाद मैं फर्स्ट फ्लोर पे आऊँ. और सबरवाल अंकल एक सत्संग सुना रहे थे अपना कि फर्स्ट फ्लोर का कुछ कह रहे थे, सो आई थिंक गुरुजी हैज गिवन मी अ इंडिकेशन कि तुम फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ. एंड गुरुजी इज ब्लेसिंग कि आज देखो सत्संग बोलने का भी अपना सुनाने का मौका मिला. सो गुरुजी इज विद मी आई नो एंड हेल्पिंग मी आउट. ऐसे तो बहुत सारे सत्संग है, मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ अमृत वर्षा वाला. दिस इज वे बैक इन 2019. मैं और मेरे अंकल हम लोग बड़े मंदिर गए. माय अंकल वाज हैविंग सम टफ टाइम एंड आई हैड लेफ्ट माय जॉब बिकॉज ऑफ माय सेकंड बेबी. एंड माय अंकल आल्सो समहाउ देयर वाज सम प्रॉब्लम एंड ही आल्सो लेफ्ट हिज जॉब. तो हम दोनों बड़े मंदिर में बैठे थे. वन ऑफ द गुड डेज हम लोग शाम के टाइम पे वहां पे बैठे थे एंड भजन चल रहे थे, सत्संग चल रहे थे एंड सॉरी भजन चल रहे थे एंड अपनी आंखें बंद करके हम सत्संग सुन रहे थे. एंड अचानक से मेरे ऊपर ना पानी की पानी गिरा. एंड आई स्टार्टेड लुकिंग, और हम कहाँ बैठे थे, जहाँ शैंडलियर है बड़ा वाला मेन हॉल में बड़े मंदिर में, उसके साथ में बैठे थे. तो मैं देख रही हूँ लेफ्ट राइट पे कि ये पानी कहाँ से गिर गया. And I started actually looking towards left and right, जो और लोग बैठे हुए थे संगत, कि किसी और के ऊपर भी गिरा हो तो वो भी ऊपर मुंह करके देख रहे होंगे कि भाई कहाँ से आ रहा है. तो I could not locate. And my husband, he says कि अंकल कहते ना कि पानी गिरा. मैंने कहा हाँ जी. कहते मेरे ऊपर भी गिरा, बट आई डोंट सी एनीवेयर एल्स कि किसी और के ऊपर गिरा, क्योंकि किसी ने ऊपर मुंह करके नहीं देखा. एंड अंदर से ही मैं सोच रही हूँ कि गुरु जी हम कुछ मांगने आए थे आपसे. गुरु जी तो कहते थे कि मंगो नहीं मनो. सो एंड हम दोनों अपनी आंखें बंद करके हम वहां बैठे रहे. हमने ध्यान लगाया
और वहां पे थोड़ी देर बैठे एंड विद इन फ्यू आई थिंक डेज और फ्यू मंथ्स ही गॉट अ कॉल फ्रॉम चेन्नई ऑफिस टू ज्वाइन देयर एंड ये गुरु जी की ग्रेस है बट जब अमृत वर्षा आई टेक इट एज अमृत वर्षा की गुरु जी ने ब्लेस किया कि तुम जाओ तुम्हारी जो तुम्हारे मन में है जो तुम इच्छा तुम्हारी मन में रखी हुई है वो हम पूरी कर मैं पूरी करता हूँ. द डे ही हैड टू लीव उसके एक दिन पहले पीकॉक्स हमारे बालकनी में देयर इज अ पेयर ऑफ देयर आर सेवन पीकॉक्स रिसाइडिंग नियर माई हाउस तो वो लोग वो पीकॉक्स यहीं पे बैठे होते हैं हमारी बालकनी में तो वो आ गए वहां पे जंप करते हुए बालकनी के ऊपर और वन ऑफ द पीकॉक्स पूरा विंग्स खोल के जिस दिन मेरे हस्बैंड ने जाना था उसके एक दिन पहले पूरा विंग्स खोल के अपना पूरा डांस कर रहे थे एंड आई थिंक इट अगेन की ये गुरु जी की मेहर है गुरु जी इज शोइंग की आई एम ब्लेसिंग यू. सो ऐसे ऐसे करते करते कितना ही टाइम निकल जाता है. देन आई विल शेयर अनदर सत्संग विद यू. दिस इज we had to go to Dugri Mandir. This is the second satsang. I think it was 2013 my second daughter was born and 2014 I think 14 or 15 my parents they reside in Ambala. So every time whenever I used to go to Ambala chutiyon mein apne office ki chutti leti thi main December ke beech mein jab bachon ki chuttiyan hoti thi to मैं हमेशा जब जाती थी मेरे मन में एक चीज होती थी कि डुगरी इतना पास है तो मैं क्यों नहीं जा सकती वहां पे और जितनी बार भी सोचती थी तो कभी जा नहीं पाती थी. आई थिंक 2014-15 आई थॉट इट अगेन कि चलो मैं इस बार प्लान करती हूँ और हम डुगरी चलेंगे. सो आई टेल माय मदर कि मामा वी हैव टू गो टू लुधियाना एंड मैंने कहा चलो मामा मैं ड्राइव करती हूँ कार एंड वी विल टेक द किड्स एंड वी विल गो वाया डुगरी. मेरा बहुत मन है गुरु जी का डुगरी मंदिर देखने का. I call up Bhatia uncle in the night. Bhatia auntie and I. And I ask auntie ki auntie Dugri Mandir jana hai mujhe to aap batao ki mujhe wo address bhej do aur batao ki main ja sakti hu. To Bhatia auntie kehte hai ki nahi wo to first Sunday ko hi open hota hai wo to baki din hota hi nahi hai. And the day I was wanting to travel was Wednesday. And main keh rahi hu unko ki मैं तो सोच रही थी प्लान कर रही थी जाने के लिए अगर वो संडे को ही खुला होता है तो फिर कैसे कर सकते हैं. सो आंटी सेड कि वो तो संडे को ही होता है. तो आंटी केप द फोन डाउन. अंकल कॉल्स बैक भाटिया अंकल एंड ही सेज कि तेरा अगर मन है ना और तुझे गुरुजी ने बुलाया है तू जा तेको मंदिर खुला मिलेगा. एंड सो नेक्स्ट डे वी स्टार्ट फ्रॉम अम्बाला एंड एज वी टच द पंजाब वाली रोड जेडी लुधियाना नू जांदी है एज वी टच इट यू वॉन्ट लीव संगत जी. मतलब गुरु जी अपनी प्रेजेंस हर जगह शो करते हैं. गुरु जी कहते हैं कि तुम एक स्टेप आगे करो मैं तुम्हारे आगे 10 स्टेप्स तुम्हारे पास नजदीक कर दूंगा. मैंने जैसे ही आई वॉज ड्राइविंग और मैंने जैसे ही कार पंजाब वाली रोड पे डाली फ्लीट्स ऑफ कार्स इनोवा होंडा सिटी कितनी अराउंड आई थिंक 7-8 कार्स जो थी उनके पीछे लिखा था जय गुरु जी और वो निकल के पास करके जा रही है मुझे. एंड मैं एक्चुअली पहले घबरा रही थी कि मैं पहली बार इतनी दूर ड्राइव करूंगी और बच्चे भी दोनों साथ में माय पेरेंट्स कार इज ओल्ड तो कहीं बीच में ब्रेक डाउन ना हो जाए या कुछ. मैं घबरा रही थी एक्चुअली थोड़ा सा ही घबरा रही थी बट आई हैड कॉन्फिडेंस कि इफ आई हैव मेड अप माय माइंड टू गो टू डुगरी तो आई विल परफेक्टली आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं पहुंच जाऊंगी. बट जैसे ही मैंने ये देखा कि आगे गाड़ियां जा रही हैं और उसके ऊपर जय गुरुजी लिखा हुआ है मैंने कहा जय गुरुजी आंखें बंद करके एंड मेरे आंखों से आंसू टपकने लग गए टिप 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 कि ये देखो गुरुजी कैसे आपकी विश फुलफिल करते हैं कि आपने एक स्टेप सोचा कि चलो मैं डुगरी मंदिर जाऊंगी और गुरुजी ने पूरा रास्ता दिखा दिया. सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग वन ऑफ द कार्स जो जा रहे थे एंड उन्होंने कहीं स्टॉप किया अपने गाड़ी खाना खाने के लिए बीच में बिकॉज ऑल द नंबर प्लेट्स वर DL दिल्ली के नंबर प्लेट्स थी. सो व्हेन दीज पीपल केम बैक आफ्टर ईटिंग फूड तो मैंने उनको बोला कि अंकल आप गुरुजी के बड़े मंदिर से आए हैं तो कहते हाँ जी. मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं सारे के सारे तो कहते कि ये हम डुगरी मंदिर जा रहे हैं. तो मैंने कहा क्यों तो कहते कि उनके वहां पे ये लेडी संगीत है गुरु जी के आई थिंक उनकी सिस्टर के बेटे की वेडिंग थी शायद तो
मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट समबडीज वेडिंग वाज देयर गुरुजी की फैमिली में, एंड वो भाई है, तो आज हम वहां जा रहे हैं. तो मैंने कहा मुझे मंदिर खुला मिलेगा? कहते हाँ जी आंटी आज खुला है. मैंने कहा वाह गुरुजी क्या बात है. एंड देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग देम, एंड करते करते जैसे ही व्हेन वी वर शॉर्ट ऑफ अराउंड 10 किलोमीटर्स डुगरी मंदिर से, हम चले गए खन्ना से अंदर और फिर डुगरी मंदिर से, व्हेन वी वर जस्ट शॉर्ट ऑफ 10 किलोमीटर्स, तो ये अंकल अपनी गाड़ी रोक कर मुझे कहते हैं कि आंटी हमारा और आपका साथ यहीं था, अब हम वापस जा रहे हैं. देन ऐसे कि अंकल आप वापस क्यों जा रहे हो, आप इतनी दूर से आए हो तो क्यों वापस जा रहे हो? तो कहते कि नहीं जी हमें पीछे से मैसेज आया है कि हमारी ड्यूटी चेंज हो गई है, अब हमें कहीं और जाना है, तो हमारी सेवा कहीं और है. तो मैं ये कहती हूँ कि शायद ये गुरुजी ने पूरा डायरेक्शन दिखाया हमें कि कैसे हमको पहुंचना है, एंड जस्ट शॉर्ट ऑफ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम डुगरी इन्होंने हमें दिखाया पूरा रास्ता. उसके बाद में हम गए मंदिर, हम मंदिर बिल्कुल आराम से पहुंच गए. जब हम पहुंचे हमने दर्शन किए, और जब हमने दर्शन किए तो वहां जो सेवादार अंकल थे उन्होंने बोला आंटी आप ना लंगर खा के जाना. सो वी ऑल सैट डाउन एंड वी हैड लंगर विच वॉज सच अ यमी वन. गुरुजी के लंगर तो इट इज किसी के कंपेरिजन में ही नहीं है. एंड उसके बाद में मुझे लुधियाना जाना था, तो मैं गुरुजी के जो ड्राइवर होते थे जो उनकी मर्सिडीज चलाते थे, तो वो उनको मैंने, मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी के गाड़ी ड्राइव करते थे, तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि मुझे ना मलेरकोटला के रास्ते से लुधियाना जाना है, तो आप मुझे बताओगे कि मलेरकोटला का रास्ता कहाँ से होगा? कहते आंटी मैंने ना जाना है मलेरकोटला, मैं अपनी गाड़ी आगे लेकर चलता हूँ, आप पीछे पीछे मेरे आ जाओ. एंड वी रीच्ड मलेरकोटला, एंड मलेरकोटला से उन्होंने डायरेक्ट कर दिया कि यहाँ से आप जाओगे सीधा लुधियाना पहुंच जाओगे. एंड आई वॉज ड्राइविंग. गुरुजी आपको पूरा ख्याल रखते हैं कि आप आए हो तो आपको वापस, या आपको जहां पहुंचना है आपको बिल्कुल सेफली वहां तक पहुंचाएं. संगत जी यू वॉन्ट बिलीव कि मेरे मोबाइल के ऊपर 2% बैटरी थी, एंड यू नो जब हम GPS ऑन करते हैं तो वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है. लुधियाना से मलेरकोटला से लुधियाना का रास्ता मस्ट बी अराउंड 1 आवर या मे बी 45 मिनट्स ओनली. एंड मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ और पूरा वो इंडिकेशन मुझे देता जा रहा है, माई बैटरी स्टेड टिल द प्लेस वेयर आई हैड टू गो. लुधियाना में मुझे जिनके घर जाना था मैं उनके घर के बाहर खड़ी हुई, जब वहां पहुंच गई तब मेरी फोन की बैटरी ड्रेन ऑफ हो गई, खत्म. बट इमेजिन कि 2% बैटरी विद GPS ऑन, इट हैज शोन यू वे टिल द एंड, टिल द प्लेस वेयर यू वॉन्ट टू गो. ये कोई नहीं कर सकता. दिस इज ऑल गुरुजी ब्लेसिंग्स, दिस इज ऑल गुरुजी. गुरुजी वॉज गाइडिंग मी थ्रू आउट, एंड गुरुजी शोड मी कि ये देखो मैं तुम्हें पूरा पहुंचाता हूँ. एंड व्हेन वी पार्क्ड आवर कार इन फ्रंट ऑफ द, मतलब मैं अपनी मासी के घर जा रही थी, उनके घर के बाहर पार्क करी, माय मासी कम्स आउट एंड शी सेज तुम लोग पहुंच गए हो? मैंने कहा हाँ जी. एंड दैट इज हाउ, सी गुरुजी गाइड्स यू, गुरुजी हेल्प्स यू, ओनली यू हैव टू डिसाइड कि हाँ जी मैंने वहां पे मैंने गुरुजी के मंदिर जाना है, और यू डिसाइड वॉट एवर एंड गुरुजी से रिलेटेड एंड यू विल रीच. एंड दिस हैपेंड विद अस अगेन 2019 में. माय हस्बैंड वाज इन चेन्नई, ही वाज वर्किंग देयर, आई वाज हियर विद विद माय गर्ल्स ऑल अलोन मैनेजिंग द हाउस, एंड माय इन-लॉज वर इन बॉम्बे, एंड देयर इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ माइन हियर, वो नोएडा में वर्क करते हैं. सो दिस टाइम वाज समथिंग लाइक मुझे इतना मौका मिला बड़े मंदिर जाने का विद फ्रेंड्स विद माई रिलेटिव्स. कोई मुझे बोलता था कि चलो मंदिर चलते हैं तो मैं हमेशा हाँ बोल देती थी कि हाँ जी मैं चलूंगी. एंड आई यूज्ड टू रीच देयर, माय हस्बैंड व्हेनेवर ही यूज्ड टू कॉल मी, अंकल मेरे फोन करते थे रात को कि कहाँ पे हो, तो मैं कहती थी बड़े मंदिर. कहते तुम हर रोज बड़े मंदिर पहुंच जाती हो, ये कैसे होता है? तो आई यूज्ड टू से कि पता नहीं कोई ना कोई ले ही आता है मुझे बड़े मंदिर, एंड आई रीच इट. इट्स गुरु जी इज ब्लेसिंग कि मेरे को मंदिर आने के इतने मौके मिल रहे हैं. सो वन ऑफ दोज फाइन नाइट्स, डिसम्बर का टाइम था, एंड आपको पता है सर्दी कितनी पड़ी थी 2019 में. नवम्बर में ही ठंड पड़ गई थी इतनी ज्यादा, 2019 दिसंबर की ये बात है. हम लोग मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ थे, और हम लोग ड्राइव करते हुए बड़े मंदिर गए, तो रास्ते में फॉग थी लेकिन इतनी डेंस नहीं थी. जब हमने लंगर किया, हम बाहर निकले, हम बाहर से वापस आ रहे थे, तो गाड़ी के अंदर जीरो विजिबिलिटी. माई किड्स वर होम, I was with him, and zero visibility, and I was telling कि हम कैसे पहुंचेंगे, हम यहाँ से वापस मंदिर चले जाते हैं तो मंदिर भी वापस कैसे जा सकते हैं, इतनी visibility कम है कि हमको मंदिर का भी रास्ता
नहीं वहां से दिखता है ना, अचानक से वी सी कि व्हाइट कलर की मर्क हमारे आगे आगे जा रही है एंड 001 उसका नंबर, और हम पीछे पीछे उसकी गाड़ी अपनी लेकर बड़े मंदिर से ये पहाड़ी वाले रास्ते तक पहुंच गए एंड उसके बाद में विजिबिलिटी वॉज क्लियर। सो अगेन गुरुजी शोज कि मैं तेरे नाल आ। सो सी हाउ मेनी ब्लेसिंग्स आर देयर, आप बस सोचो और बिल्कुल काम बन जाता है। देन 2013 व्हेन आई वाज टू गिव बर्थ टू माय सेकंड डॉटर, आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम माय ऑफिस वेयर आई वाज वर्किंग इन केन इंडिया, दैट्स अ बिग कंपनी ऑयल एंड गैस, इन दोज डेज इट वाज अ बिग कंपनी। एंड 2012 आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ऑफिस टू गो टू मलेशिया देन सिंगापुर एंड देन वी हैड अ फैमिली ट्रिप टू मालदीव्स। When I came back, I was expecting my second daughter and it was 7th month. तो जब मैं वापस आई तो मुझे पता चलता है कि मेरे पैरामीटर सारे हिले पड़े हैं एंड आई नीड टू गो ऑन अ बेड रेस्ट। डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आप बेड रेस्ट पे रहोगे, यू विल नॉट गो टू ऑफिस। सो आई टुक माई दिस थिंग रेजिग्नेशन टू माई बॉस एंड आई टेल हिम कि दिस इज माई रेजिग्नेशन एंड आई हैव टू बी ऑन for medical reason I have to be on bed, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। So my boss, what he did, he was an American and he tore it off in front of my eyes and he said, you have served us good 9 years, we will find out a way. And within an hour's meeting with someone, with the director, I'm sure, he came back and said, ki, Mandakini, you pack all your bag, just give us your this thing, password of the laptop, and from today onwards, you are on medical leave. When you give birth to the baby, you are on maternity leave. And then we have a sabbatical leave also, which is a new policy which has come. So you can decide on that later on. So the sabbatical policy, plus there was a new policy which had come up in 2012 December, तो मैटरनिटी लीव हैज एक्सटेंडेड फ्रॉम 3 months टू 6 months एंड जो आपको सैलरी मिलेगी वो 3 months की मिलेगी बट नॉट ऑफ 6 months। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है। तो मैं उस टाइम से 2013 फरवरी से मेडिकल लीव में बेड पे थी एंड 2013 की फरवरी में आई थिंक बैसाखी थी या शिवरात्रि थी, आई डोंट नो, बीच में, बिकॉज आई वॉज ड्यू फॉर अ बेबी इन अप्रैल। सो मैं अपने अंकल को कहती हूँ कि आज बड़ा दिन है बड़े मंदिर में, आई हैव नेवर मिस्ड, मुझे अभी ले जाओ, इसके बाद में मैं कभी नहीं बोलूंगी कि मुझे बड़े मंदिर लेकर जाओ जब तक कि आई डिलीवर अ बेबी। तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, हमें इतने साल हो गए जाते हुए बड़े मंदिर, जो पीछे से रास्ता आता है जहाँ पे जूता घर है, जहाँ वहां पीछे से जो रास्ता आता है, हमें उसके बारे में पता ही नहीं था। हम जब गए उस दिन बड़े मंदिर फॉर द फंक्शन, आपको पता है कितने लाखों में लोग आते हैं उस टाइम पे, तो कहाँ तक गाड़ियां खड़ी हुई होती हैं। एंड उस दिन क्या हुआ कि जब हम गए तो बीच में से ही कोई अंकल हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि आंटी अगर आप यहाँ से जाओगे तो पीछे वाले रास्ते से अगर आप जाओगे तो आप जूता घर जो है 10-15 मिनट में पहुंच जाओगे, अगर आप आगे से जाओगे मेन रोड से आपको 1 घंटा लगेगा। सो माई हस्बैंड टेल्स हिम कि अंकल ये इनकी तबीयत ठीक नहीं है, शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी एंड इन फ्यू मंथ्स, अभी उनको बेड रेस्ट दिया हुआ था, ये खाली बड़े मंदिर गुरुजी के इस फंक्शन के लिए आए। तो अंकल कहते कोई बात नहीं, सेवादार अंकल कहते कोई बात नहीं, आप इसी रास्ते से चले जाओ, यू विल बी सेफ, और आगे शटल सर्विस रखी है वो आपके लिए हमने वहां पे खड़ी करी है एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। हम गए, हमने गाड़ी खड़ी करी, टू आवर सरप्राइज शटल सर्विस वॉज देयर, इट वॉज ऑल एम्प्टी स्टैंडिंग देयर एंड हम बैठ गए उसमें और हम चले। चलो जी हम पहुंच गए बड़े मंदिर में और मेरी एल्डर डॉटर और जो हमारे फैमिली मेंबर्स जो आ रहे थे दूसरी गाड़ी में, तो मेरे अंकल ने मेरा जूता उतार के और अपना उतार के प्लस अपनी मदर का उनको दे दिया कि आप जूता घर में दे देना। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि देखो लोग जो आ रहे हैं वो दूर से जूता घर से जूते उतार के खुद पैदल चलते हुए आ रहे हैं और हम यहाँ शॉर्टकट मार के आ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एंड वो कह रहे हैं हमारे आके दो लेडीज जा रही हैं और दोनों आपस में बात कर रही हैं पंजाबी विच कि गुरुजी ने जिन्नू जिन्ना चलाना होंदा ना उन्ना ही चलांदे ने,
तो मेरे अंकल मुझे कहते हैं कि देखो ये जवाब तुम्हारे लिए है, तुम क्योंकि क्वेश्चन मुझे कर रही हो बार बार कि ये गलत है कि हम जूते घर से जूता उतार के क्यों नहीं आ रहे, हमने शॉर्टकट में क्यों ऐसे किया, तो ये तुम्हारे लिए रिप्लाई है, गुरुजी भेज रहे हैं, सुन लो। एंड दैट डे वी वेंट इनसाइड बड़े मंदिर में। इससे पहले कभी बड़े फंक्शंस पे मुझे मौका नहीं मिला कभी भी कि अंदर जाके मैं मेन हॉल में बैठूं, बट दैट डे आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी गुरुजी महाराज की गद्दी के सामने बैठने के लिए। आई सैट डाउन देयर for nearly about 5 minutes and so, because I could not sit for much longer than that. 5 minutes ke baad mein, then I got up and me, hamare sare family members uthe, mere in-laws and my brother-in-law, my sister-in-law, meri badi beti, and hum log sare uthe aur hum log langar ke liye chale gaye. लंगर के लिए जब हम कर रहे थे, इतने में एक अंकल दिखाते हैं कि आंटी देखो मेरे को ना एक रोटी मिली है, इसके ऊपर ओम है। तो मैं कहती हूँ ये भी ऐसी भी चीजें होती हैं, गुरुजी कैसे लोगों को ब्लेस करते हैं, देखो रोटी के ऊपर ओम बना हुआ है। तो मैंने कहा अंकल आप इसका क्या करोगे, तो कहते हैं ये मैं घर में लेकर जाऊंगा और अपने घर में सबको इसके एक एक वो दूंगा, ये ब्लेसिंग है गुरुजी की। तो ठीक है, थोड़ी देर के बाद में मैं और मेरी मादन लो हम दोनों वहां पे खड़े हैं बाहर के लिए रास्ता लंगर करके, लंगर वहां पे होता है जहाँ पे गाड़ियां खड़ी होती हैं आजकल, तो बड़े फंक्शंस वहीं पे उस बड़े दिन पे लंगर वहीं पे लगता है। तो हम वहां से एग्जिट की साइड से अभी निकलने ही वाले हैं, हम दोनों वहां पे खड़े हैं और मैं और मेरी मादन लो, इतने में एक अंकल आते हैं, सीधा मेरी तरफ आए और मेरा हाथ खोला और उन्होंने मेरे हाथ में कुछ रख दिया। तो मैं देखकर कह रही हूँ कि ये क्या अंकल दे रहे हैं, खोला तो उसमें देखा गुरुजी का लॉकेट, सुंदर सा ब्लू कलर के चोले में, वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स। गुरुजी महाराज का धन्यवाद है, शुक्राना है। मैं उस फर्स्ट जनवरी को, फर्स्ट जनवरी इज माय बर्थडे, सो एवरी ईयर आई गो, एंड दैट फर्स्ट जनवरी 2013 आई गॉट अ लॉकेट बड़े मंदिर से, जो बिल्कुल छोटा सा, उसमें गुरुजी का स्वरूप मुझे नजर नहीं आ रहा था, इट वाज रेड इन कलर। और मैं गुरुजी को उस दिन बोल रही थी कि गुरुजी मुझे कुछ बड़ा सा अगर मिलता लॉकेट तो कितना अच्छा होता ना, ब्लू कलर में और वन ऑफ माय फेवरेट। सो लुक गुरुजी, फर्स्ट जनवरी को जो मैंने बात अपने मन में बोली वो गुरुजी ने मुझे फुलफिल करके दी फरवरी के अंदर, कि ये अंकल आके मेरे हाथ में लॉकेट दे रहे हैं। एंड एवरीवन इज आस्किंग अंकल कि अंकल हमें भी दे दो, तो ही सेड कि मेरे पास तो ये एक ही था, तो सबने पूछा फिर आपने इनको क्यों दिया, तो ही सेड कि मुझे यही नजर आई तो मैंने इसलिए इनको दे दिया। चलो जी, गुरुजी की मेहर है। एंड द वेरी नेक्स्ट डे आई हैड to go to the doctor and get all my parameters again checked for my baby, and next day all the parameters up, blood flow full, water bag full, and Guruji ki meher, and I was at home. Guruji ki blessing yahi nahi stop hoti, uske baad bhi ek to wo locket mila, phir I was on medical leave when I on 22nd April 2013 I gave birth to my this second daughter, and uske baad mein I took a medical leave was for 6 months, 3 months was with salary and 3 months without salary, but guruji ki grace mujhe salary throughout milti rahi, because I was the first case, mujhe throughout wo salary milti rahi, and जब सबाटिकल लेने का टाइम था, जैसे ही वो खत्म हुआ, मैटरनिटी लीव खत्म हुई, तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि बच्चा भी बहुत छोटा है, तो व्हाई नॉट इफ आई अप्लाई फॉर अ सबाटिकल और शुड आई लीव द कंपनी। सो ही सेड कि नो, यू अप्लाई फॉर अ सबाटिकल बिकॉज यू हैव अ गुड पोस्ट, यू अप्लाई फॉर अ सबाटिकल, मे बी दे गिव यू, दे रिगार्ड योर दिस सबाटिकल थिंग। आई अप्लाइड फॉर इट एंड आई गॉट अ सबाटिकल फॉर अनदर 3 months। सो फ्रॉम फेब्रुअरी 2013 I was on leave and I joined the office in April 2014. Guruji ki meher itni hai ki April 2014 mein jab maine join kiya office, to office mein increments aur promotions and bonus wo sab kuch discuss ho raha tha. To jab mujhe letter mili 2014 end mein फॉर द बोनस एंड इंक्रीमेंट, तो मैंने सोचा मुझे कहाँ मिलेगी, मैं तो पूरा साल छुट्टी मार के आ रही हूँ, आई विल नॉट गेट अ सिंगल थिंग। बट गुरुजी महाराज ने पूरा केटर करा हुआ था, ही हैड ऑलरेडी थॉट अबाउट इट, एंड आई गॉट फुल सैलरी ऑल थ्रू माई दिस पूरा साल फरवरी से लेकर अप्रैल तक।
उसके बाद में जब मुझे प्रमोशन मिलती है तो नहीं प्रमोशन नहीं मुझे मिली, आई गॉट अ इंक्रीमेंट एंड दैट वाज 14% द हाईएस्ट बोनस जो मुझे लास्ट ईयर मिला था, विच वाज द हाईएस्ट, अगेन आई गॉट द सेम बोनस दैट ईयर आल्सो। तो मैं अपने बॉस को पूछ रही हूँ कि ये मुझे क्यों मिला है, मैं तो काम ही नहीं किया मैंने पूरे साल, तो क्यों मुझे ये मिला है? तो ही सेज वी रिगार्ड योर वर्क एंड पिछले साल जिसको जितना बोनस और इंक्रीमेंट मिला था हमने वो इस साल तुमको इतना ही इंक्रीमेंट और बोनस दे दिया है, ठीक है। एंड देन कम्स कि मुझे अप्रैल की भी सैलरी मिली, मई की भी सैलरी मिली। जब जून आया तो मेरी सैलरी आधी कटी हुई, बोनस तो मिलना था उस साल में तो बोनस भी आधा। तो मैं सोच रही हूँ ये अब क्या हो गया, ये कहाँ से हो गया? तो आई गो अगेन बैक टू माय बॉस एंड स्पीक टू हिम कि मेरी लेटर के ऊपर तो ये लिखा है और आया तो अकाउंट में ये कैसे हो गया? सो ही गोज बैक एंड ही स्पीक्स टू द एचआर डायरेक्टर, व्हाट इज दिस? सो द डायरेक्टर सेज कि by mistake, Mandakini being the first case, sabbatical and the maternity, the company forgot that they have to pay only 3 months salary to her. But by mistake, they have given her salary from February 2013 till April 2014. So she needs to return. So my boss comes and says, "So, मैंने बोला ऐसे थोड़ी ना होता है, वो तो कंपनी को देखना चाहिए, इतना बड़ा एचआर डिपार्टमेंट उठा के बैठे हुए है तो दे शुड सी कि हाउ दे हैव डन दिस ब्लंडर। एंड माय बॉस गोज टू द सीईओ व्हेनेवर दे हैड अ नेक्स्ट मीटिंग एंड दे डिस्कस्ड दिस एंटायर थिंग विद देम एंड इट वाज डिसाइडेड दैट वन ऑफ अ केस करके कि मंदाकिनी का ये जो केस है लेट इट गो बिकॉज आई हैड फाइल्ड ऑल माय इनकम टैक्स एंड एवरीथिंग वाज डन सो इट वाज नो यूज। तो That was Guruji Maharaj. Guruji Maharaj ki blessing hai that he has been always there. In spite, he has been always there with everything. And see, kaise Maharaj help karte hai. That's all for today.